हाँ तो सोल इंग्लिश चैनल पर जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो वीडियो थी, मैंने बोला था कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाले बच्चों के लिए भी असाइनमेंट जरूर लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बच्चों के लिए जो असाइनमेंट है जो आया है DU की तरफ से, उसमें से जो दो क्वेश्चन प्रिपेयर करने थे वो मैंने कर दिए हैं। जैसे कि नाम तो आपको दिख ही रहा होगा, प्रशांत कुंदनानी, पर बच्चे कह रहे हैं नाम नहीं चाहिए भाई, असाइनमेंट दिखा दे वो बहुत है। सब्जेक्ट आपको बताइए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग डिटेल सारी आई, सेकंड ईयर का है, बीकॉम प्रोग्राम, एनुअल सेशन, ये सब बेसिक डिटेल है जो आपको पता ही है ऑलरेडी कैसे लिखनी है। तो यहाँ पर जो है मैंने असाइनमेंट में से दो क्वेश्चन प्रिपेयर करे हैं, एक तो पहला क्वेश्चन है जो थ्योरी का है और एक चौथा क्वेश्चन है। तो पहले थ्योरी का क्वेश्चन देखते हैं। थ्योरी का जो क्वेश्चन आया पहला, उसमें चार पार्ट है। तो उसका जो ये पहला ए पार्ट है, इसमें हमें प्रोविजन बताने हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से रिलेटेड, कि इसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। जैसे कि कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे जानते हैं कि अगर किसी भी शेयर को उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट पर बेचा जाता है तो वो जो एडिशनल एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसे सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा भी है। अब आप देखेंगे कि जो प्रीमियम है इज़ एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज़। एग्जाम्पल लेके बता दिया कि भाई शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये है लेकिन उसको कंपनी बेच रही है 120 रुपये में, तो ये जो कंपनी को जो फालतू 20 रुपये आ रहे हैं उसे सिक्योरिटी प्रीमियम बोला जाता है। अब कंपनी के पास जो ये सिक्योरिटी प्रीमियम आता है उसका उसको यूटिलाइजेशन किस किस तरीके से करना होता है, तो यही वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भाई यूटिलाइजेशन कंपनी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, कंपनी की चुटियां खींच रखी है कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 52 सब सेक्शन 1 ने, उसमें जो बोला गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कैसे यूटिलाइज करना है वैसे ही करना है, कंपनी अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती। अब कैसे कैसे यूटिलाइजेशन हो सकता है, पहला तो वही है, बोनस शेयर इशू कर दो, कंपनी के कुछ एक्सपेंस होते हैं उन्हें राइट ऑफ कर दो, चौथा पॉइंट है ये आपको दिख ही रहा है, इस तरह के कुछ पॉइंट है जो आप इसमें से लिख लेना। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है कि बाय बैक ऑफ शेयर क्या होता है, तो यहाँ पर बाय बैक ऑफ शेयर का मैंने मीनिंग बता दिया है कि भाई बाय बैक ऑफ शेयर क्या होता है और इसका कंपनी पर इफेक्ट क्या होता है, रिडक्शन हो जाती है शेयर कैपिटल में और नंबर ऑफ शेयर है वो रिड्यूस हो जाते हैं। फिर मेन क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ने ये बोला है कि एडवांटेज क्या है बाय बैक ऑफ शेयर के, तो ये एडवांटेज के कुछ पॉइंट्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा जो आगे आप रीड कर लेना, छठा, सातवा, सारे मेन मेन पॉइंट जो है वो इसमें कवर कर दिए हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन का ही सी पार्ट, परचेज कंसिडरेशन को डिफाइन करना है। तो यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन की डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिख दी है और परचेज कंसिडरेशन AS 14 के अकॉर्डिंग क्या है वो भी इसका आंसर लिख दिया है। अब परचेज कंसिडरेशन के दो मेथड होते हैं, एक लमसम मेथड होता है, एक नेटवर्थ मेथड होता है। लमसम मेथड के अंदर क्या लिखना है वो आपके सामने, नेटवर्थ मेथड के अंदर क्या लिखना है वो भी आपके सामने। तो ये थ्योरी के कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अगला क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने 12th में भी पढ़ाया, ऐसा स्टेटमेंट जो कि AS 3 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है और जो कि कैश और कैश इक्विवेलेंट के फ्लो को बताता है। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कौन कौन से होते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब कैश फ्लो को बेसिकली 3 एक्टिविटी में ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है वो एक्टिविटी जो कंपनी की मेन एक्टिविटी होती है, जो कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू उसके पास डेली बेसिस पर पैसा आता है, उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगला है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो सेल और परचेज, फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को शो करती है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। फिर आपके सामने फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ऑब्जेक्टिव क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट के, मेन क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपके सामने है। अब ये तो थ्योरी का जो एक क्वेश्चन करना था वो कंप्लीट कर दिया। जो दूसरा क्वेश्चन करा है मैंने, जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आया उसका क्वेश्चन नंबर 4 था, उस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को शो करना है, ये क्वेश्चन भी मैंने पूरा बकायदा आपके सामने लिख दिया है। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो कैश फ्लो का फॉर्मेट होता है वो बहुत ही लंबा चौड़ा होता है, बच्चों को कहीं जन्म लग जाते हैं याद करने में, तो यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा फॉर्मेट नहीं पूछा है, उन्होंने सिर्फ बोला है कि कैलकुलेट कर दो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक पता ही है कि हमें नेट प्रॉफिट लेना होता है, अब उसके अंदर हमें ऐड करना होता है नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंस, जो कि क्वेश्चन में एक ही दे रखा है डेप्रिसिएशन। फिर उस आंसर में से माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो कि क्वेश्चन में नहीं है, तो मैंने उसके आगे 0 लिख दिया है। अब इस प्लस माइनस को करने के बाद जो हमारा आंसर आता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें प्लस करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो सेम ये जो 12th वाला फॉर्मेट है वही है, माइनस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब इस पोर्शन को करने के बाद जो हमारा आंसर आता है उसे बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, माइनस कर देते हैं टैक्स पेड, फिर हमारा जो मेन आंसर आता है उसे बोलते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
यहाँ पर भगवान का शुक्र है कि पूरा फॉर्मेट उन्होंने नहीं पूछा है, वरना बहुत लंबा हो जाता। सिर्फ आपसे यही पूछा है कि कैश फ्लो को कैलकुलेट कर दो, कौन सा वाला, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला। इसका आंसर है 131,000 जो आपके सामने है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो बी पार्ट है, हमें कुछ रेशो कैलकुलेट करनी, रेशो भी आपके ट्वेल्थ का ही, ट्वेल्थ वाले चैप्टर है, तो बेसिक सी रेशो पूछी है। सबसे पहला है करंट रेशो, फिर दूसरा है नेट प्रॉफिट रेशो, तीसरा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अब करंट रेशो की शक्ति आपको पता ही है, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। जो जो क्वेश्चन में करंट एसेट दे रखी थी उसका टोटल कर दिया, जो जो करंट लायबिलिटी दे रखी थी उसका टोटल कर दिया। अब करंट रेशो का फॉर्मूला सब जानते ही है, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, आंसर आ गया। अब सेम अगला नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल इंटू 100। क्वेश्चन में इसके सारे डेटा दे रखा है, बस उसको पुट करा और आंसर आ गया। अब अगला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल इनटू 100, उसको भी पुट करा और आंसर आ गया। तो यही दो क्वेश्चन थे, इसी के साथ ही ये वीडियो कंप्लीट होती है। और सोल इंग्लिश चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ मैं, प्रशांत कुलदानी।